तो जैसे कि आज यहाँ पर नॉर्थ पॉइंट रेसिडेंशियल स्कूल में एडमिशन चल रहा है, एज यू ऑल नो, सो इन दिस रिगार्ड वी आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद द पेरेंट्स हु हैव कम अप फ्रॉम अ वेरी फार डिस्टेंस, आवर वेरी क्लोज नेबर इंटरनेशनल स्टेट दैट इज नेपाल. नमस्कार, कैसे है पहले तो? ठीक हूँ. तो कहाँ से आया है सबसे पहले नेपाल? तो मुझे पता चला कि नेपाल, फिर भी स्पेसिफिकली कहाँ से आए? नेपाल के विराटनगर से. विराटनगर तो बहुत बड़ा शहर है. और पहले तो नाम जानना चाहेंगे कि क्या नाम है और स्कूल कैसा लगा? मेरा नाम प्रीति अग्रवाल है. स्कूल तो बहुत अच्छा लगा देखने से, मतलब अच्छा लग रहा है. और फर्स्ट में तो क्या है, जो फर्स्ट इम्प्रेशन जो लास्ट इम्प्रेशन होता है किसी भी चीज़ का, तो स्कूल का देखने से तो फर्स्ट इम्प्रेशन तो अच्छा है. अब मैं बच्चे को एडमिट करवाने आई हूँ, अगर इसका अच्छा हुआ तो अच्छा ही है. अच्छा, तो जैसे इन्होंने बताया कि स्कूल से बहुत एक्सपेक्टेशन है और फर्स्ट इम्प्रेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और फर्स्ट इम्प्रेशन स्कूल का बहुत अच्छा लगा इनको. अब स्कूल से ये एक्सपेक्टेशन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़िया है पर साथ साथ पढ़ाई भी, जो वी प्रॉमिस यू बहुत अच्छा ही है, आपका बच्चा बहुत अच्छा ही पढ़ेगा. बहुत दूर से आया है और बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ में आया है. ऐसा जानना चाहेंगे कि बच्चे का कितना क्लास के लिए एडमिशन के लिए आया है? क्लास 8 के लिए. चलिए, ऑल द बेस्ट बात करने के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बच्चे का यहाँ पर एडमिशन हो. और आई बिलीव हॉस्टल के लिए आए होंगे शायद? यस, हॉस्टल के लिए. तो थैंक यू सो मच. तो जैसे बातचीत हुआ, पेरेंट्स खुशी है, एक्सपेक्टेशन है स्कूल से. अभी एडमिशन टेस्ट आपका चलने वाला है और हम लगातार एडमिशन रिलेटेड आपको अपडेट देते रहेंगे. टिल देन थैंक यू सो मच. तो जैसे कि आप लोगों सबको पता है कि नॉर्थ पॉइंट रेसिडेंशियल स्कूल में आज एडमिशन चल रहा है, तो हमारे साथ कुछ पेरेंट्स जुड़े हुए हैं. पहले तो स्वागत आपको नॉर्थ पॉइंट रेसिडेंशियल स्कूल में. पहले कहाँ से आए हैं? हम लोग तो अरुणाचल से आए, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर. जी जी, ईटानगर से आए. तो बच्चे के एडमिशन कितने क्लास के लिए आए हैं? क्लास 9. क्लास 9. अभी इंटरव्यू दे रहे हैं दोनों. अच्छा, बच्चा. अच्छा, हम दोनों बच्चा. अच्छा अच्छा, तो दो बच्चे हैं. तो हॉस्टल बोर्डिंग के लिए आया है क्या? हाँ. अच्छा, तो हॉस्टल विजिट हुआ आप लोगों का? हॉस्टल देख लिया? हॉस्टल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है, सब चीज़ अच्छा है, बहुत अच्छा है. अच्छा, तो स्कूल भी देख लिया, स्कूल कैसा लगा आप लोगों को? स्कूल भी अच्छा है, बहुत अच्छा है. तो जैसे कि देख पा रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश इतने दूर से, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, वैसे भी हमारे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नॉर्थ ईस्ट, त्रिपुरा वगैरह से बहुत सारे बच्चे हैं और पेरेंट नॉर्थ ईस्ट से जुड़ने जा रहे हैं. बहुत अच्छा संकेत है स्कूल के लिए. और वी विश यू ऑल द बेस्ट, आपका बच्चा बहुत अच्छे से एडमिशन टेस्ट में पास हो, यहाँ से पढ़ लिख के बहुत बड़ा इंसान बने. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग विद अस. थैंक यू, हैव अ गुड डे. तो जैसे प्रश्नों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हमने अभी दूसरे पेरेंट से बात करने किया करने जा रहे हैं. सर, पहले तो नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम रहे? मेरा नाम विभूति कुमार हुआ. विभूति कुमार. और कहाँ से आया सर? हम लोग पूर्णिया से आए हुए हैं. तो दूर से ही आए हैं. सुबह का सफ़र कैसा रहा, कि आज आए या फिर कल ही आए? मॉर्निंग में हम लोग सुबह में 5 बजे चले हैं. अच्छा. और फिर हम लोग 9 बजे तक यहाँ पर पहुँच चुके थे. अच्छा, तो सुबह ही आए तो स्कूल तो देखा. आपको स्कूल कैसा लगा? स्कूल वास्तव में बहुत अच्छा है और स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर साथ साथ, जो मैंने इनके कुछ टीचर्स और कुछ बच्चों से मैंने जो जानकारी पाई है, तो उसके आधार पर ये पता चलता है कि स्कूल जो है अंदर से एजुकेशन के मामले में भी बहुत ही अच्छा है. और यहाँ का खास करके जो टीचर्स हैं वो बहुत डीपली स्टडी कराते हैं बच्चे को. खास करके एक लर्निंग जो इसका प्रोसेस है ना, तो वो बहुत अच्छा प्रोसेस है कि बच्चे में जो सो उसका इनर जो है वो उसको डेवलप करते हैं, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं. थैंक यू सो मच सर. जैसे सर ने बताया कि सर को बहुत उम्मीद है स्कूल से और सर ने पहले ही जानकारी ले चुके हैं कि स्कूल का पढ़ाई के बारे में और इनको वो एक्सपेक्टेशन, वो जो भी उनको सुनने को मिला स्कूल के बारे में, उसी को मुद्दा बना के, उसी को सोर्स रख के बच्चे को एडमिशन के लिए लाए. और सर ये जानना चाहते हैं कि कितने क्लास के लिए एडमिशन करवा रहे हैं? ये बच्चे अभी 9th क्लास के लिए एंट्रेंस टेस्ट अभी दे रहे हैं. और अभी इससे पहले जो है ना बच्चे ICSE बोर्ड में थे. अच्छा, अच्छा. लेकिन हम लोग जो है ना प्रीफर किए कि अभी 9th में ही अभी यहाँ पर हम लोग देंगे, 9th 10th यहाँ पर तैयारी करेगा. अच्छा, वहाँ पर ताकि एक बेहतर जो है सो ये एक हम लोग इसको चाह रहे हैं कि बच्चा इंजीनियरिंग में एक अच्छा करे, वहाँ पर करियर जो उसी में बनाए हुआ. और IIT हम लोग का सपना है कि बच्चा IIT जो है ना IIT में एक अच्छा रैंक जो है सो लाए वहाँ पर. इसी के लिए हम लोग इसका बेस को और डेवलप करवाना चाह रहे हैं.
बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हर माँ बाप का उम्मीद होता है कि बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़े, एक फील्ड पकड़ ले, और जैसे सर ने बोला कि उन वो भी बच्चे को एक नीट इंजीनियरिंग करवा के बच्चे को सफल देखना चाहते हैं। और सर विश्वस्त रहिए, यहाँ पर हमारे बहुत बिहार के बच्चे और बहुत अच्छा करके गए हैं, और हम आपको वो दिलासा, वो उम्मीद देना चाहते हैं कि ये स्कूल वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ही नहीं है पढ़ाई के मामले में, एट द सेम टाइम पर्सनल केयर होलिस्टिक डेवलपमेंट में यहाँ पर भी बच्चे का हुआ है। और ना सिर्फ बिहार से, आपने अभी देखा ही होगा नॉर्थ ईस्ट के बच्चे से, नॉर्थ ईस्ट का बच्चा, बांग्लादेश, सारे बच्चे हैं, डाइवर्स कल्चर है। और हम बच्चे का एडमिशन अच्छे से हो, बच्चा अच्छे से पढ़े। और हॉस्टल विजिट हुआ क्या सर? हाँ, हॉस्टल विजिट हो गया। इससे पहले हमारे पड़ोसी थे वहाँ पर, उनका बच्चा एक अंकित कुमार था जो पूरे इस स्कूल में टॉप किया था, वो अंकित कुमार। और फिर बगल में हमारे एक मित्र हैं, उनकी भी बच्ची शिवानी यहाँ पर थी, उनका भी बहुत अच्छा स्कोर हुआ था रिजल्ट, और अभी वो अभी नीट की तैयारी कर रही है, तो इसलिए हम लोग उसका फीडबैक से काफ़ी आश्वस्त हैं। थैंक यू सो मच सर, आई एम श्योर आपका जो बच्चे का एडमिशन टेस्ट है वो अच्छा से करे। और मैं देख ही रहा था, बच्चा पढ़ ही रहा था, इसका मतलब बच्चा कमिटेड है, डेडिकेटेड है, और एडमिशन टेस्ट उसका अच्छा हो। और जो आप बच्चे से उम्मीद लगा के बैठे हैं, जो हर पेरेंट्स का उम्मीद होता ही है, वो सफल रहे और लाइफ में बहुत आगे बढ़े। थैंक यू सो मच सर।